हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो दिल्ली पॉलिटेक्निक का ऑनलाइन फॉर्म है वो आप कैसे फिल कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है टोटल 4 कैटेगरी टेस्ट के लिए, उसका जो ऑनलाइन प्रोसीजर वो स्टार्ट हो गया है और 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो जो कोर्सेज़ जैसे डिप्लोमा कोर्सेज़ होते हैं इंजीनियरिंग में या फिर टेक्नोलॉजी में, जो जो कोर्सेज़ अवेलेबल हैं उसकी लिस्ट आपको वेबसाइट पर ही मिल जाएगी और उसके लिए जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है वो भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, जब आप 3 लाइन बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको जो एलिजिबिलिटी कंडीशन, इन्फॉर्मेशन, बुलेटिन, टेस्ट डिटेल, सभी कुछ डिटेल्स आपको इसमें मिल जाएगी। जैसे हम बात करते हैं इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन की, तो यहाँ पर जब आप एलिजिबिलिटी कंडीशन का प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करेंगे तो उसमें लिखा हुआ आएगा कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे डिप्लोमा कोर्स है इन अप्लाइड आर्ट में, आर्किटेक्चुरल असिस्टेंटशिप में, आर्ट फॉर ड्राइंग टीचर्स, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग, पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। इसी के साथ साथ दोस्तों, जो टेस्ट 2 है उसमें आपको कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस इंग्लिश, मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस हिंदी। तो दोस्तों, इन सब की पहले एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट जो है वो आप चेक कर लेंगे। और यदि दोस्तों, अगर आप एक से ज़्यादा टेस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन फिल करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अप्लाई करने के लिए दोस्तों जब आप वेबसाइट पर आएंगे तो वहाँ पर आपको अप्लाई फॉर कॉमन एंट्रेंस 2019 फॉर एडमिशन इन डिप्लोमा कोर्सेज, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो उस वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर टेस्ट 1 जो इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग के लिए है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखाएगा, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर या फिर टेस्ट 2 के लिए अगर चाहते हैं तो टेस्ट 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर टेस्ट 3 या टेस्ट 4। तो फिलहाल दोस्तों, सबका प्रोसीजर सेम ही रहेगा, तो हम यहाँ पे टेस्ट 1 के लिए आपको डेमो फॉर्म फिल करके बता देते हैं। दोस्तों, इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट, उसकी लिस्ट भी आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है उसमें मिल जाएगी, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं प्रोस्पेक्टस में। तो दोस्तों, उस वाले लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अप्लाई बटन पर क्लिक करना है। अप्लाई बटन पर जब आप जाएंगे तो कुछ डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी, और कुछ डिटेल्स मांगने से पहले दोस्तों कुछ इंस्ट्रक्शन भी आपको यहाँ पे लिखी हुई होंगी, तो इसको आपको पढ़ लेना है। आधार कार्ड आपके पास होना ज़रूरी है, या फिर वैलिड फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो गवर्नमेंट का होता है वो होना ज़रूरी है। कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस हिजर ओरिजिनल रिलेवेंट कैटेगरी सर्टिफिकेट एज मेंशन इन इंफॉर्मेशन बुलेटिन। तो जो भी अगर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका पर्टिकुलर सर्टिफिकेट भी आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। कैंडिडेट शुड केयरफुली रीड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गिवन इन इंफॉर्मेशन बुलेटिन। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको केयरफुली रीड कर लेनी है। इसके अलावा कैंडिडेट हैज़ टू प्रोड्यूस अ वैलिड आईडी प्रूफ एट द टाइम ऑफ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन। तो दोस्तों, जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होगी उस टाइम पर आपको अपना जो एडमिट कार्ड होगा उसके साथ साथ जो वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ होता है गवर्नमेंट का वो भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। कैंडिडेचर ऑफ द कैंडिडेट विल बी कैंसिल्ड इफ़ ही शी फाउंड टू इंडल्ज इन एनी अनफेयर मीन्स। यानी दोस्तों, एग्जाम सेंटर में कोई भी अनफेयर मीन्स आपने यूज़ करा तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा और आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होगा वो भी कैंसिल कर दिया जाएगा। सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म आर टू बी फिल्ड फॉर ईच टेस्ट। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं टेस्ट 1, टेस्ट 2, यानी 2 टेस्ट के लिए अप्लाई करना है, फिर 3 टेस्ट के लिए अप्लाई करना, तो तीनों के लिए आपको अलग अलग फ्रेश एप्लीकेशन फिल करनी पड़ेगी। कैंडिडेट शुड डाउनलोड एडमिट कार्ड इन डुप्लीकेट विद इंस्टीट्यूट एंड चेक दैट ऑल डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय हिम हर आर करेक्ट एंड इफ एनी प्रॉब्लम प्लीज़ कॉन्टैक्ट हेल्पलाइन एट पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, जब आप एडमिट कार्ड आएगा, अगर उसमें कुछ मिस्टेक हो तो आप इसमें एड्रेस दिए होने, इस एड्रेस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उस मिस्टेक को रिजॉल्व करने के लिए। फ़ीस की बात करें तो 400 रुपये फ़ीस इसकी रखी गई है। एप्लीकेशन फ़ीस नॉन रिफंडेबल होगी दोस्तों। एनी क्वायरी रिलेटेड टू फीस टेकन बाय कॉरपोरेशन बैंक पदमपुरा ब्रांच। मोड की अगर बात करें कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की दोस्तों, तो यहाँ पे फ़ीस की अगर हम बात करें तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ई वॉलेट के थ्रू आप पे कर सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का प्रोसीजर हम आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा फोटोग्राफ, थंबनेल और सिग्नेचर आपके पास रिक्वायर्ड साइज में होने कंपलसरी है। तो दोस्तों, इस सबको पढ़ने के बाद आप जब नीचे आएंगे तो वहाँ पर आपको आई हैव डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बटन पे क्लिक करना है, फिर क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर आपको जाना है। तो वहाँ पर जाने के बाद दोस्तों, जो भी डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी, अब जैसे यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल, आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, आइडेंटिटी टाइप, आधार नंबर, जेंडर वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, इसके अलावा आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। फिर उसके बाद पासवर्ड चूज़ करना होगा आपको। फिर यहाँ पर दोस्तों एक सिक्योरिटी पिन आएगा, उसको एंटर करके आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे।
जब आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो एक मैसेज आपके सामने शो करेगा, जहां पर आपको बताएगा कि अगर आपको कुछ करेक्शन अभी इसमें करनी है तो वो कर लें, अदरवाइज़ आपको दोस्तों जो यहां पे टिक मार्क है कैंडिडेट नेम पे, फादर नेम पे, मदर नेम पे, डेट ऑफ बर्थ पे, जेंडर और मोबाइल नंबर पे, इन सभी पर आपको टिक मार्क देके और नीचे एक आई एग्री बटन पे क्लिक करके फाइनल सबमिट पर आपको यहां पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद यस आप बटन पर आप क्लिक कर देंगे तो उसके बाद दोस्तों जो आपका एप्लीकेशन नंबर होगा वो जनरेट हो जाएगा। तो थोड़ा इसमें टाइम लग सकता है तो इसको आप वेट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन नंबर आपका जनरेट हो गया। अब दोस्तों इस अगर आप चाहें तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो थोड़ी टाइम बाद भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ जब आप लॉगिन करेंगे तो ऐसा ही पेज आपके सामने खुलेगा। तो यहाँ पर आपको रेड कलर के ऑप्शन में कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक नज़र आएगा, तो इस वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों जो कन्फर्मेशन मैसेज है स्टेप वन का वो आपके फ़ोन नंबर पर भी आ जाएगा। तो जब आप कंप्लीट पर क्लिक करेंगे दोस्तों जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा जो आपने डिटेल कंप्लीट करने का। तो यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी वगैरह सेलेक्ट करनी होगी, जैसे कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, उसके बाद अगर आप PWD से बिलोंग करते हैं तो वो सेलेक्ट करना है, फिर नेशनल यानी NCC से अगर आप बिलोंग करते हैं तो वो भी आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा, फिर डिफेंस पर्सनल हो गया, जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट्स हो गया, स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी सेलेक्ट करना है, दिल्ली से बिलोंग करते हैं या फिर आउटसाइड दिल्ली से तो वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, डू यू बिलोंग टू TFM तो TFM के बारे में हम बात करने वाले हैं, TFM से बिलोंग करते हैं यानी, तो वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके अलावा रिलीजन अपना यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको और नेशनलिटी अपनी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी। तो दोस्तों सभी कुछ एंटर करने के बाद यहाँ पर आपसे फिर अपनी 10th क्लास की डिटेल मांगी जाएंगी, तो वो यहाँ पे आप एंटर कर देंगे, यूनिवर्सिटी का नेम, ईयर ऑफ पासिंग और रिजल्ट मोड, उसके बाद यहाँ पे CGPA, फिर उसके बाद एक कैप्शन कोड होगा, उसको एंटर करने के बाद सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना है। तो सबमिट बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको मैसेज अगेन शो करेगा कि अगर आपको यू आर नॉट एलिजिबल ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ बर्थ, रीड द इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो ही आपको रिलैक्सेशन मिलेगा एज क्राइटेरिया का, तो डेट ऑफ बर्थ बड़ी केयरफुली आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सबमिट बटन पर आप क्लिक कर देंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है आपका जो इमेजेस वगैरह हैं उसको अपलोड करने का। तो इसको आप यहाँ से क्लोज करके अगेन जो आपने कैंडिडेट नेम मदर नेम वगैरह पे टिक मार्क लगाना है, उसके बाद आई एग्री वाले बटन पे क्लिक करके फाइनल सबमिट पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका वो फोटोग्राफ अपलोड करने का होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कलर के ऑप्शन में अपलोड इमेजेस का ऑप्शन नज़र आएगा, तो उस पर क्लिक करके दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी इमेज सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है रिक्वायर्ड साइज़ में। साइज़ भी यहाँ पे गिवन है दोस्तों, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सिक्योरिटी पिन एंटर करके आई हैव वेरीफाइड पर क्लिक करके अगेन आपको अपलोड बटन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर हम येस बटन पर क्लिक कर देते हैं अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर कुछ करेक्शन होगी तो करेक्शन मांगी जाएगी आपसे, अदरवाइज़ यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा आपका फ़ीस पेमेंट का। तो फोटोग्राफ वगैरह अपलोड करने के बाद सबमिट करेंगे तो ऐसा पेज आपके सामने नज़र आएगा, जहाँ पे ऊपर देख सकते हैं आप 3 स्टेप आपको कंप्लीट दिखाएगा और जो फाइनल स्टेप होगा एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट का वो दिखाएगा इनकम्प्लीट। तो नीचे आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन नज़र आएंगे, एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, एडिट इमेजेस और एग्जामिनेशन फ़ीस पेमेंट का। दोस्तों फ़ीस पेमेंट से पहले पहले आपको जो अगर कुछ करेक्शन अभी करनी है तो कर देंगे, अदरवाइज़ फ़ीस पेमेंट पर क्लिक करके आपको जो अपना पेमेंट मोड है उसको सेलेक्ट करना होगा, ऑनलाइन पेमेंट मोड, फिर वहाँ से प्रोसीड करके आप पेमेंट कर देंगे। तो पेमेंट करने के बाद दोस्तों एक कंफर्मेशन पेज आएगा जिसका सैंपल यहाँ पे गिवन है, तो इसकी आपको प्रिंट आउट लेकर रख लेनी है फ्यूचर पर्पज़ के लिए। और दोस्तों एडमिट कार्ड के लिए आप ऑनलाइन ही वेट करेंगे, वेबसाइट पर ही आपको बता दिया जाएगा, जैसे ही आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा तो उसमें आपका जो एग्ज़ाम सेंटर होगा वो स्पेसिफाई होगा और टाइम आपको अलॉट किया है वो भी उसमें स्पेसिफाई कर दिया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और फिर भी अगर कोई क्वारीज हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।